नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब न्यूज अड्डा में। तो दोस्तों, लेटेस्ट वैकेंसी डिटेल के साथ फिर से हाजिर हैं और ये वैकेंसियां अनाउंस करने वाला डिपार्टमेंट है दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत चंडीगढ़ में दोस्तों ये वैकेंसियां अनाउंस हुई है। कोई भी इन वैकेंसी से रिलेटेड आपका डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पे इनकी मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हो या फिर ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात क्लियर कर दें कि ये वैकेंसियाँ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेंगी। तीन यहाँ पे वैकेंसियाँ अनाउंस हुई है, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की वैकेंसियाँ हैं। और दोस्तों ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, तो आपको फॉर्म इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ अटैच मिलेगा। फॉर्म अच्छे तरीके से फिल कर लेने दोस्तों, साथ ही उसकी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है उनके DOB प्रूफ और एक्सपीरियंस, अगर आप आरक्षित कैटेगरी से आते हो वो सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड होने जरूरी हैं। और फॉर्म फिल करने के बाद उस पर फोटो चिपका दीजिएगा दोस्तों, और फोटो जो है वो आपकी रीसेंट होनी चाहिए, यानी कि नई फोटो होनी चाहिए। और ये सब करने के बाद दोस्तों आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना है, यहाँ से देख सकते हो, बैंक ड्राफ्ट बनवाना है और 400 रुपये उसकी फीस रहेगी। और ये फेवर में आपको बनाना है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी UT चंडीगढ़ के फेवर में, ठीक है। और ये ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट जो है ये भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है, और ये फॉर्म दोस्तों आपको सेंड कर देना है द ऑफिस ऑफ, यहां से दोस्तों ये एड्रेस आप देख लीजिए कंप्लीट, ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिए कि मिस्टेक ना हो, यहां से लेके यहां तक आपका ये एड्रेस है, एक बार फिर से देख चेक कर ले करवा देते हैं, तो ये देख लीजिए द ऑफिस ऑफ द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच 3rd फ्लोर एडिशनल डिलेक्स बिल्डिंग Sector 9D चंडीगढ़, यहाँ पे आपको ये फॉर्म सेंड कर देना है। तो चलिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन वगैरह भी आपको यहाँ से चेक करवा दें। और दोस्तों इसमें कोई एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है, आपकी स्टडी के बेस पे ही आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हो और साथ ही साथ 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो और कंप्यूटर का नॉलेज होना, तो दोस्तों आजकल हर एक वैकेंसी के लिए कंपलसरी सा ही है, तो ये सब होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनमें से क्वालिफिकेशन है तो भी आपको बेनिफिट रहेगा। और दोस्तों आपकी जो एज है यहाँ से 61 ईयर मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है। एज की काउंटिंग जो है वो की जाएगी 1/1/2019 से। सैलरी आपकी रहेगी 46,863 रुपये पर मंथ। और दोस्तों ये नंबर है आपके जिनके बेस पे आपकी मेरिट बननी है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है दोस्तों, ठीक है, 15 नंबर मिलेंगे, BEd की 15। और दोस्तों ये है इनके मैक्सिमम आपको 4 ही नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके पास ये स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड यानी कि कोई है, तो फिर आपको मैक्सिमम 5 नंबर यहाँ पे दे दिए जाएंगे। और एक्सपीरियंस के मैक्सिमम आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, आधा नंबर 6 महीने का रहेगा और 1 साल का 1 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके नंबर टोटल 47 नंबर आपको दिए जाएंगे और इन्हीं के बेस पे दोस्तों बनेगी आपकी मेरिट। ना इंटरव्यू है, ना कुछ एग्जाम, कुछ भी इसमें नहीं होने वाला। सो दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल थी, PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और ये फॉर्म PDF के साथ आपको अटैच मिलेगा और यही फॉर्म दोस्तों आपको सेंड करना है। और अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना आता दोस्तों, तो आपको अपने चैनल पे एक वीडियो मिलेगी, ऑफलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है वो एक बार जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।